इंडिया भी हो सकता है निकर कच्छे में कहीं घूम रहा हो, है ना। 6 महीने में सब कुछ एज इट इज इट, और पुतन परी जो है बार बार रंग बदलती है अगर चाहते ही नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हमेशा की तरह मैं आज भी आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, लेकिन मैंने बीच में बोला था, आज मैं स्टार्टिंग में कहना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं वायदे के मुताबिक आप लोगों के लिए अब डेली एपिसोड लेकर आ रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा लाइक के साथ आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए जी करते हैं अपना आज का एपिसोड स्टार्ट। जहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कौन से ऐसे खुले राज झूठी के, कौन सी ऐसी हो गई बात पुतन परी की, ऐसा क्या किया मोटू बिटिया ने जो कि दर्द दिल जो दास्तान बयान नहीं कर पा रही है झूठी, ऐसा क्या कि डेट हो गई है फिक्स, क्या ये सच में हो गई डेट फिक्स, किसकी, गुलाब सिंह की शादी की। तो यही सारी बातों को लेकर हम आए हैं आज आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए, और इस बीच में बात करेंगे नन्नू जीजा पर भी, जिनके जहां पर पुतन परी जाने को उतावली हो रही है, क्या ये सब सच है, क्या ऐसा होगा, क्या जज साहब के कहे के अनुसार पुतन परी चलेगी। चलिए देखते हैं, देखते नहीं मतलब गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात आती है झूठी के ऊपर ही। देखिए झूठी की ड्रेसिंग सेंस जो भी है बहुत अच्छी है, मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने ये कहा था कि जैसा देश वैसा भेष, अगर आपने आप वो ड्रेस जो है आपने वेयर कर ही ली है, ठीक है, आपने परचेज करी, कुछ सोच के करी होंगी, घर के अंदर आप कैसे भी रहें, ठीक है, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आप मुंबई वाली शहर हुआ या फिर दिल्ली हुआ, यहाँ तो लोग मामूली बात है, कुछ नहीं समझते, लेकिन आपका बार बार कहना छोटे गांव, छोटे गांव की लड़कियां बहुत सारी मर्यादा में रहती हैं, दुपट्टा ये सब चीज़ें जरूर से लेती हैं, क्योंकि इन लॉज भी तो देखते हैं ना कहीं एपिसोड, है ना। तो वही बात आती है कि छोटे गांव, छोटे गांव, भैया छोटे गांव से ही उठ उठ के लोग फिल्म सिटी तक पहुंच चुके हैं, छोटे गांव से ही उठ उठ के लोग जो मेट्रो सिटी तक आ गए, हम लोग भी छोटे शहरों से ही, जलंधर शहर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है, वहां से मेट्रो सिटी में आ गए, क्या छोटा शहर, छोटा शहर, छोटे शहर वाला ऐसा क्या दिखाते हो, क्या छोटा गाँव, छोटा गाँव, छोटे गाँव वाला, कभी आप इनके एपिसोड देखते हो ध्यान से, क्या है उसमें छोटा गांव वाला, अभी तक कुछ भी नहीं है भैया। क्या आप लोगों को इनके वहां पर लैंडर पड़ा हुआ नजर नहीं आता, यहाँ पर तो लोग जो हैं छोटे गांव में वो जो बाल्ले वाली छत रहती है, क्या कहते हैं, जो लकड़ी के वो बाल्ले पड़े रहते हैं, है ना, ईंट की, वो उसमें भी गुजारा कर रहे हैं, और दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने चाचा लोगों को ही देख लो जो आपके यहाँ पर खेती मजदूरी करते हैं, क्या छोटा गाँव, छोटा गाँव। ड्रेसिंग सेंस देखिए, खाने पीने का तरीका देखिए, जिम देखिए, घूमने फिरने की जगहें देख लीजिए, ठीक है, क्या छोटा गांव, छोटे गांव वालों को बदनाम करना बंद करो। ये काम इनका वो है ना कि ऐसे, ये ही नहीं है सिर्फ, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, ठीक है, जिनका कि रोना धोना हमेशा अपने ही गांव को बदनाम करते रहना, क्या छोटा गाँव, है ना, ये वो बातें हैं कि छोटे गाँव के कह कह के सहानुभूति लेते रहना। लेकिन बात ड्रेसिंग सेंस पर आ रही थी, देखिए जैसी ड्रेसेस अभी ये वन पीस पहन रही हैं झूठी, हम लोगों ने नाइट वियर की तरह मैंने तो यूज़ किया थी घर में, मैंने खुद, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती भाई, यहाँ पर नॉर्मल है, अगर आपको छोटे गांव की लड़कियाँ कहलाना कहना पसंद है तो शर्क पहनो ना, इसके ऊपर शर्क पहनो भैया, कुछ तो ढंग के उसमें वो रहो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि देखिए डिम्पल दी, इसकी जो मोटिविटी है ना वो इस वजह से नाराज है कि इसकी ड्रेसिंग सेंस को लेके, तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, मोटिविटी भी हो सकता है निकर कच्छे में कहीं घूम रहा हो, है ना, बरमुडा ऐसा कुछ पहना हो, हाफ शॉर्ट्स पहनी हो उसने, है ना। अब जो है कि मोटिविटी का इसका नहीं दिखाना, यहाँ पर अगर आप डेली व्लॉगर हो, डेली व्लॉगिंग करते हो, तो डेली व्लॉगर्स की जो फैमिली होती ना वो कहीं ना कहीं दिखती है, किसी के घर में बच्चे हैं तो बच्चे दिखते हैं, किसी के घर में मेड है तो मेड भी नजर आती है, यहाँ तो सिर्फ सबके हाथ ही नजर आते हैं, तो मतलब क्या क्या समझा जाए,
मुझे तो वही बात याद आ गई कि जब एक यहाँ पर अभी जैसे कि आप लोगों को पता है श्राद्ध पक्ष जो है स्टार्ट होने वाला है ना, तो कृष्ण जी की वो वाली समझ में आ रही है मुझे कहानी में, यहाँ पर कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन वही कहना पड़ रहा है कि वो हाथ ही नजर आने लग गए थे ना सबको, कि जब वो पिंड दान करने लगे थे हाथ ही हाथ, भैया तुम्हारे हाथ ही हाथ दिखते हैं सबके, क्या बात है क्या बात है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है झूठी तुमने तो। क्योंकि हाथ की बात मैं यहाँ पर इसलिए लेके आई हूँ कि वहां पर उसने अपने पिताजी का पिंड दान करना था, तो वहां पर दो के तीन हाथ निकल आए थे, दो हाथ निकल आए थे ना, कि उसने फिर कृष्ण जी से पूछा कि मुझे किसका पिंड दान करना चाहिए, ये कंफ्यूजन थी। तो कृष्ण जी ने फिर बता दिया, फिर उसने बोला भगवान जी ये पड़ता ही पड़ा रहने दो है ना, क्योंकि ये सब चीजें जो है बहुत आहत कर जाती है ना। तो यही वो बात है। अब यहाँ पर जो दिखाया गया हाथ है वो एक्चुअली में हाथ किसका था यहाँ से पूछा जा रहा है झूठी से, मोटू बिटिया का तो नहीं था। अरे भाई मुझे तो नहीं लगा इतना गुलाबी पन लिया हुआ हाथ, और राइटिंग करते समय जो है वो हाथ का डार्कनेस आप लोगों ने भी देखी है, नहीं भाई वो हाथ मोटू बिटिया का नहीं था। अच्छा मोटू बिटिया जब गई है एचपी तो फिर उनको दिखाया गया था, चाहे पीठ से ही दिखाया जाए या कैसे भी, भाई इस पूरे ट्रिप में मोटू बिटिया कहीं नजर नहीं आई। वही फिर मैंने कल पूछा था मोटू बिटिया पीप ला के लुड़की हुई नजर आई, तो चलिए मान लेते हैं झूठी की बात कि तुम्हारे साथ यहाँ पर मोटू बिटिया थी, लेकिन कितना सच था कि खुद की ही बहन ने दे दी स्ट्राइक। मैंने तो सिर्फ टाइटल देखा, अंदर क्या है मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वही डेली का खाना, वही पोचा, वही पायदान को झाड़ना करना सब चीजें, नहीं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वीकेंड चल रहा है तो खुद का बहुत काम होता है, सो मैंने वो चीजें नहीं देखी है। लेकिन टाइटल ऐसा क्यों, ऐसे मतलब कि क्लिक बेट टाइटल रखने और फिर कहना कि भाई व्यूज का चक्कर नहीं है, भैया व्यूज का ही तो चक्कर है, लेकिन दोनों ही बहनें एक दूसरे को फॉलो कर रही हो है ना, एक दूसरे के हैशटैग भी यूज कर रही हो, हैशटैग यूज कर रही हो या फिर वो क्या बोलते हैं वो यूज कर रही हो, ठीक है। अच्छा तो फिर भी ऐसे कहना, लेकिन वहां पर पुत्तन परी है वो तो ज्ञानवती, आप लोगों को पता ही है वो ज्ञान देने में कभी भी पीछे नहीं रहती है, उसका कहना कि वो रेगुलर एपिसोड लेके आएगी, पुत्तन देखते हैं है ना। अब झूठी के ऊपर तो ये सब सारी बातें हो गई, और इसके ऊपर जो कि नए नए खुलासे होने वाले हैं मैं पोस्ट पर आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना अभी अभी बैठे बैठे दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं, अब वो जो आइडियाज आते हैं जल्दी से पोस्ट पर शेयर कर दो, कहीं मैं भूला, वो देखी होगी फिल्म आपने ना, वो वाला सीन हो जाता है मेरे साथ, सो मैं उस पर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वहां पे मेरे साथ जो है रूबरू गुफ्तगू कर सकते हो। तो चलिए ये तो झूठी के ऊपर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करी है कि झूठी तुमसे दुनिया नाराज है इस समय, वो वाली दुनिया नहीं ठीक है, ये वाली दुनिया जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये तुमसे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि तुमने अपने यहाँ पर देखा है कि तुम आजकल जो है मम्मी जी से मदर इंडिया से बात नहीं कर रही हो, क्यों, क्योंकि मदर इंडिया ने तुम्हें कोई हिस्सा देने से तुम्हारा जो कहते हैं ना उसको रिटायरमेंट में से जो भी तुम्हारा बनता है 1/3 या 1/4 वो देने से मना कर दिया है, क्योंकि झूठी तो 2 साल पहले से कह रही थी रिटायरमेंट ले लो मम्मी जी, रिटायरमेंट ले लो, रिटायर होकर घर बैठ जाओ, आपको कितनी बार कहा है, आप भी अपना चैनल जो है वो चलाओ, मम्मी जी कहते नहीं मुझे तो कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ती हूँ मैं, कमेंट कर भी देती हूँ कभी कभी, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ, यहाँ पर नहीं मैं पोस्ट पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ है ना, यूट्यूब जो है ना आप लोगों के साथ वो शेयर करने लग गया कि आप लोगों को कौन मतलब सर्च करता है या देखता है ऐसा ही कुछ है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसमें मदर इंडिया की ना डीपी लगी हुई है, तो वो जो है मेरे एपिसोड एक दो बार जैसे कि देख लेती हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है इसलिए वो डीपी शो होती है, जैसे 3-4 लोगों का भी और भी शो होता है, ठीक है वो मैं आप लोगों को वहां पर पोस्ट पर शेयर कर दूंगी। अच्छा मैं यहाँ पर फिर बात आती है अब पुत्तन परी की, देखिए कोर्ट के ऑर्डर लॉ के ऑर्डर जो भी रहे हों, ये तो झूठी के ऊपर बोल दिया ना हमने, मोटू बिटिया क्यों नाराज है, बहुत खासी नाराज है, मदर इंडिया को लेकर नहीं अपनी ही मदर को लेकर भी नाराज है झूठी से, अपने फादर इन लॉ को भी लेकर नाराज है, अपने फादर इन लॉ को मतलब झूठी के फादर इन लॉ को लेकर नाराज है मोटू बिटिया, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उन्होंने सियानों ने वही बात कही हो कि नहीं आपको नहीं जाना, लेकिन झूठी कहाँ मानने वाली, झूठी तो वो जिद्दी इंसान है, जिद्दी बच्चा है कि जो कहता है वो करके दिखाता है, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। और मेरा तो अब कहीं ना कहीं मानना भी है
कि वो वही करती है जो वो चाहती है। तो चलिए जी पुत्तन परी पर आते हैं, जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जज साहिब के जो भी लॉ के जो भी ऑर्डर रहे हों, क्या पुत्तन वाकई 6 महीने के लिए ननु जीजा के यहाँ पर जाएगी? मुझे नहीं लगता वो जाएगी, लेकिन उसने एक कोशिश करके दिखाने की कोशिश की है, क्या उसकी कोशिश वो कामयाब रहेगी? ठीक है, लेकिन पुत्तन परी के बदलते रंग, पुत्तन परी का एक दिन में 10 बार बदलना रंग जो है कि वो अपनी ही बात पे अटल नहीं रहती है, क्योंकि अभी तो कंप्लेंट कंप्लेंट खेल रहा था, खेली जा रही थी, अभी तो अपनों के साथ ही खेला जा रहा था, उनको हरास किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर पुत्तन परी जो इंसान इतनी बार दिन में रंग बदल लेता है, तो वहाँ वो कुछ ही दिनों में रंग जो है एक्चुअली में सामने आ जाएगा। अगर वाकई में तुम दिल से चाहती कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ कि हाँ मुझे वहाँ पर जाना है 6 मंथ के लिए, जो 2 साल पहले गलतियाँ हुई अब मैं वो नहीं दोहराऊंगी, भैया फिर तो तुम एक मिसाल कायम कर दोगी, मिसाल कायम कर दोगी उन लड़कियों के लिए जो तुमसे बहुत नाराज़ है। तुम्हारे आसपास ही उनकी भी शादी हुई है, उनका भी किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 1.5 साल का बच्चा, जो कि कहती है कि हम लोग जो है अपने हस्बैंड के साथ ही अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत टाइम लग रहा है, मतलब कि लगा है, ठीक है, कईयों को लग रहा है अभी तक, है ना, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को संभालने में ही लगी हुई है, ना कि तलाक तलाक खेल रही है। और यहाँ पर मैं बहुत सारी लड़कियों को एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि जब वो अपना हम सफ़र चेंज नहीं कर सकते, है ना, या फिर वो चेंज नहीं कर सकते, समझ सकते हो आप, या फिर उन्होंने अपने इतने साल इसी उम्मीद में गुजार दिए कि शायद उनका हम सफ़र, उनका हस्बैंड जो है वो सुधर जाएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, गाली ग्लोच मार पिटाई खाने की आपको किसी को भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अपनी मतलब कि सेल्फ डिसीज़न ले सकते हो, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड के साथ आपका गुजारा नहीं है, तो साइलेंटली आप सेपरेट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि बदनामी करके बदनामी करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी एक्चुअली में आप सही तरीके से जीना सीखो, ये होता है इंडिपेंडेंट लड़कियों का, वुमेन्स का खुद का सेल्फ डिसीजन, ठीक है, ना वो किसी की बदनामी करती हैं, ना खुद की करवाती हैं। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मौका ज़रूर देना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए, लेकिन अगर वाकई में वो इंसान उसमें सफल नहीं है, आप रोज़ ही रोज़ जीतते हो, रोज़ ही मरते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे इंसान के साथ रहने की जो एक औरत की और अपने बच्चों की इज्जत नहीं कर सकता, या वो उनको पाल नहीं सकता, तो फिर ज़रूरत नहीं है उनके साथ रहने की। ये आज की नारी की आवाज़ है, आज की नारी को जागरूक होना पड़ेगा, और बहुत सारी लड़कियां जागरूक हैं भी, ठीक है। यही बात जो कुछ झूठे लोग हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात भी करते हैं, हम लोगों ने अपने यहाँ एपिसोड से बहुत बार कहा है कि पुत्तन परी जो है अपने सेल्फ डिसीजन ले, वो किसी थर्ड पर्सन को बीच में क्यों लेके आती है, जो भी बातें होती सोशल मीडिया पर क्यों ही उगलती हैं, है ना, ये तो वो चीज़ें हम लोग बोलते ही हैं कि ना बदनाम करो ना बदनाम हो, भाई जो भी कुछ होना है सेपरेट अपना आराम से, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा ही सेपरेट हो जाओ, है ना, साइलेंटली, लेकिन नहीं। अच्छा जी, तो ये है कि आज की नारी को जागरूक होना ही पड़ेगा। बहुत सारी लड़कियां एक टाइम पे ऐसा था कि 10 दिन लग जाते थे माँ को चिट्ठी पहुंचने में, है ना, जब वो कहती थी माँ मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे इन लॉस की ओर से मुझे परेशान किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, माँ का भी जवाब जाने में, मैं तुम्हारे भाई आ रहे हैं, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, कोई ना कोई जरूर से आएगा, तुम परेशान मत होना। ये एक हफ्ते में जब तक उसके पास लेटर पहुंचता था, जहाँ उसके अपनों में से कोई उसके पास पहुंचता था, क्योंकि पहले टाइम पे जो फ़ोन होते थे, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं सुनने जाते थे, हम लोग भी सुनने जाते थे, लेकिन जैसे हम लोग बड़े हुए तो हमारे घर में खुद से ही फ़ोन था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे सब लोगों के घर में, लेकिन ये था कि अड़ोस पड़ोस में बनी बनाई थी, प्यार मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे होता था ना, कभी इमरजेंसी कॉल आ जाए या कैसे होता था, लेकिन जहाँ पर कॉल नहीं पहुँचती थी वहाँ चिट्ठियों के जरिए से ही बातचीत करी जाती थी। लेकिन वो जो एक हफ्ते का टाइम पीरियड होता था ना, उसमें लड़की जो है खुद के ही मन को मना लेती थी,
जहाँ उसके हस्बैंड उसको मना लेते थे, जहाँ वो कोशिश करती थी कि शायद चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। कुछ लड़कियों के लिए वो चीज़ें सही हो जाती थी, कुछ लड़कियों के लिए वो इतनी गलत हो जाती थी कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठती थी। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है। आज के ज़माने में आप डिप्रेशन से बाहर निकलिए, मेडिटेशन करिए, ये सब चीज़ें तो झूठी करती हैं, है ना। हमारी वीडियो इतना डीपली से वो देखती, मैंने खुद अपनी वीडियो इतनी डीपली नहीं देखती हूँ, इतनी ध्यान से नहीं देखती हूँ एडिट करते हुए जितनी ध्यान से वो लोग देखती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर से आप लोगों को सीखने को मिलता होगा इस एपिसोड से। ठीक है, और मेरे को आप लोगों से, मेरी YT फैमिली से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये झूठी सच्ची की जो जोड़ी है, इन लोगों को भी मैं देखती थी तो दिल को बहुत खुशी मिलती थी। एक्चुअली में वो पहले जो करती थी वो सच था, लेकिन अब जो है पिछले 4 साल से 3 साल से वो झूठ है। ठीक है, अच्छा ये वो बात है। तो पुत्तन परी की वही बात आती है कि क्या पुत्तन परी जाएगी 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने में सब कुछ एज इट इज ठीक रहता है, पुत्तन परी ये समझती है मेरा पति है, और पति की कही सुनी बात भी कभी कभी अनसुनी करनी पड़ती है, और पति भी वो समझे ननु जीजा कि पत्नी का भी जो है अपने परिवार की ओर भी उतना ही हक है, और इधर भी सबसे पहले जो है ससुराल की ओर है ना। तो एज अपने बच्चे के साथ जो कि उसने टाइम स्पेंड करना चाहिए था जो उसने नहीं किया है ना, ये सब चीज़ें पुत्तन परी भी समझेगी, ननु जीजा भी समझेगा, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों का शरीर जो है, मैंने कल भी बोला है कि पंच तत्व से बना हुआ है, ऐसे जो है ब्रह्मांड में जो चलता है उसी का असर हम लोगों पर भी ग्रह नक्षत्र का होता ही है। समटाइम समय ऐसा होता है ग्रह नक्षत्र हमारे कहते हैं ना हक में नहीं होते हैं, तो चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन इंसान बुरे बन जाते हैं। तो ये वो बातें कि अपने बच्चे को लेके अगर एक बार ये लोग सोचते हैं, और पुत्तन परी जो है बार बार रंग बदलती है, अगर 6 महीने में इसने रंग नहीं बदला, जैसी जाएगी एज इट इज वही रहेगी, वैसी रहेगी, प्यार मोहब्बत से रहेगी, और 6 महीने में कोशिश करेगी कि अपनी फैमिली को महीने में कहीं एक बार मिलने आ जाए, बस इतना ही बहुत है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत अच्छा भी होगा। और ऐसे ही एपिसोड हैप्पी वाले आप लोगों के सामने भी वो परोसेगी बिल्कुल वैसे ही, फिर से इनके जो चैनल हैं दोनों के हस्बैंड वाइफ के बहुत अच्छे ग्रो भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है मेन क्लेश जो था वो इसी बात का था कि ननु जीजा अपनी ही बहन को जो है वो चैनल ना दे दे, लेकिन फाइनली उसने वो चैनल जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, खुद से ही, मतलब दो दो चैनल जो है इस समय वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बात है। आई थिंक ऐसा कुछ होता है तो वो अपडेट जो है ननु जीजा और पुत्तन परी के एपिसोड से आप लोगों को मिलती ही रहेगी, यानी कि हम लोगों को। तो चलिए ये तो हो गई इनके ऊपर बात, अब बारी आती है यहाँ पर गुलाब सिंह की। गुलाब सिंह का क्लिकबेट टाइटल, ठीक है, 3 नवंबर फिक्स कर दी डेट। भैया कितना झूठ। अच्छा, वो जब आपने पूरा एपिसोड देख लिया जिसमें कुछ भी नहीं था, बस उसमें यही था कि मैं इतनी थकावट का मारा हूँ, मैं बहुत आलसीपन का बुरा हाल है। वैसे सच्ची में बताऊँ, जिसके घर में कंस्ट्रक्शन चलती है ना, होता तो बुरा ही हाल है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जिसने करवाई है तो फिर वो सब कुछ ठेके पे करवा लेते, बात ही खत्म कर देते, खुद से आगे होकर सब चीज़ें करने की क्या जरूरत है ना। एक ही बार ठेका दे देते, बस एक बार चेक करना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है, दैट्स इट। अगर नहीं, सब कुछ लेके भी खुद ही आएंगे, सब कुछ करेंगे भी खुद ही, दिहाड़ी पे रखेंगे लोगों को, तो भैया चीज़ें जो हैं फिर मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत का फल मीठा होता है, वो फल तो फिर बाद में ही मिलता है ना, पहले तो नहीं मिलता। अब ये 3 नवंबर का क्या चक्कर है, सब लोग मुझे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि 30, पहले तो एक तो 3 को कुछ भी नहीं है, ठीक है, 30 नवंबर को देव उठनी है। ठीक है, देव जब उठेंगे उसके बाद ही साए खुलेंगे शादियों के। ठीक है, तो जी इनकी शादी जो है मे बी दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक या जनवरी तक, मतलब कि नेक्स्ट ईयर ही होगी ऐसा मुझे लगता है, साल के एंड में दिसंबर के आसपास या फिर जनवरी तक, ऐसा है ना। क्योंकि आप लोग शायद भूल गए हो या फिर आप लोगों ने नहीं देखा हो कि खुद ही गुलाब सिंह और यहाँ पर चंपा ने ये चीज़ बोली थी कि नेक्स्ट ईयर करेंगे शादी या फिर दिसंबर में, मतलब कि इस साल के आखिर में। तो यही वो बातें हैं कि अभी शादी का कोई वैसा सीजन नहीं है, है ना, लेकिन कुछ मुहूर्त बीच बीच में ऐसे आते हैं जिसमें बहुत भारी साए होते हैं, लोग शादियां करते हैं, है ना, ऐसा है। तो मेरा तो आज का यही कहना है, आप लोगों को कैसा लगा ये वाला मेरा वीडियो मुझे बताना जरूर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ
कि इस समय जो झूठी है वो अपने ही अकेलेपन की शिकार है, वो अपने अकेलेपन से ही खुद ही अकेली ही लड़ रही है, उसका कोई नहीं दे रहा साथ, ठीक है, ना तो मदर इंडिया, ना ही गुलाब सिंह, ना ही पुतन परी, वो हो चुके हैं उससे बहुत दूर, आप लोगों को पता ही है वहां से और यहाँ तक एचपी तक का कितना डिस्टेंस है, ये तो है नहीं हर दूसरे दिन उठाई गाड़ियाँ वहां पर पहुंच गए। लेकिन झूठी का मानना है कि इनडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना है, तो वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ बना भी रही है, खुद भी बेवकूफ़ी है ना। घर की चार दीवारी में रह के घर की चार दीवारी को ही संवारना नो डाउट ठीक है, अच्छा है एक हाउस वाइफ के लिए कि वो अपने घर को कैसे संवारती है, लेकिन झूठ कितना परोसती है ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बता सकती है कि वो कितना झूठ बोलती है ना। अच्छा इस बार जो है एचपी जाके भी अपने इन लॉज के बारे में कोई बातचीत नहीं, चलो ये ठीक है नहीं पूछता कोई तुमसे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहां पर जो मम इन लॉ का बेस्ट फ्रेंड का रो देना कि काश एक बच्चा हो जाता है, देखिए इसके लिए हम हमेशा से हम लोगों की, मैं खुद से मतलब बताना चाहती हूँ कि एक मानिक मानसिकता क्या कहते हैं ठीक है, एक सोच वो हो चुकी है कि अगर किसी औरत को या किसी लड़की को कोई बच्चा नहीं हो रहा है ना किसी औरत को, तो मतलब उसको उसी को गलत ठहराया जाता है ठीक है, लेकिन आदमी को नहीं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि IVF भी है, मैं पहले भी बहुत पहले पिछले साल भी मैंने बोला था कि वो करवाओ ठीक है झूठी, यहाँ पर मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ, क्यों अपने ऊपर तुम ये सब चीजें सह रही हो या सोच रही हो, मे भी मोटू बिटिया में ही कुछ गड़बड़ हो ऐसा कुछ। यहाँ पर शर्माने वाली अब कोई बात नहीं है, जिसने डॉक्टरेट मतलब आप समझ सकते हो ना, तो जो डॉक्टरी लैंग्वेज इतनी यूज करके दूसरों को आके कमेंट वगैरह कर सकते हैं ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि एक IVF वहाँ पर जाएं क्या, फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई जाया गया था IVF के लिए, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि चंडीगढ़ में और दिल्ली में और वहाँ पर पटना में भी बहुत ही अच्छे अच्छे IVF होते होंगे, आप जाएं सलाह लें क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आप करना चाहते नहीं हो, मतलब मेरा ये कहने का ठीक है, या फिर आप चाहते ही नहीं हो, अगर चाहते होते तो, नहीं तो फिर उसी डॉक्टर को पकड़ो ना जो कहती थी इस साल मैं तुम्हारे हाथ में बच्चा देकर ही रहूंगी, उस डॉक्टर का क्या हुआ। अपनी जिंदगी में खुशियां लाएं, त्योहारों के दिन हैं, त्योहार इंडिया में शुरुआत हो चुकी हुई है ठीक है, तो यही वो बात है कि झूठी के सपनों का शहर मुंबई उससे छूटा चला जा रहा है ठीक है, एक दिन की रानी बनकर वहां पर रुका गया, लेकिन उसमें भी आप जब सीढ़ियों में खड़े हो कहीं खड़े हो, लेकिन उसमें भी एक उदासी लिए ही हो, अकेलापन अकेलेपन के शिकार से लड़ती हुई झूठी मुझे ऐसा लगा है ठीक है, और अब जो है अपनी रिश्तेदारी से भी टूटती हुई झूठी नजर आ रही है मुझे। तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, तो अपनी सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।